please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की आज फिर से बैठक हो सकती है। कॉलेजियम की इस बैठक में केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश को फिर से केंद्र सरकार के पास भेजने के फैसले पर चर्चा हो सकती है। दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जजों का कॉलेजियम केंद्र सरकार की आपत्तियों पर विचार कर सकता है। इससे पहले 2 मई को भी कॉलेजियम की बैठक हुई थी, लेकिन तब केंद्र सरकार को दोबारा केएम जोसेफ का नाम भेजने के मसले पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इससे पहले 26 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश वापस भेज दी थी। जम्मू कश्मीर के सियाचिन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना के बेस कैंप में जवानों से मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बाद वो ऐसे दूसरे राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने सियाचिन का दौरा किया और सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सियाचिन में सेना के बेस कैंप पहुंचे, जहां सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने सेना के जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए अपने सियाचिन दौरे के पीछे की वजह भी बताई। आप सबसे मिलने की उत्सुकता का एक विशेष कारण था, आप तक यह संदेश पहुंचाना कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सभी सैन्य कर्मियों और अधिकारियों के लिए हर भारतवासी के दिल में विशेष सम्मान है। राष्ट्रपति कोविंद के संबोधन के बाद सेना के जवान और अधिकारी बैंड की एक विशेष धुन पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने बेस कैंप में एक स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने बेस कैंप का भी दौरा किया और सियाचिन में तैनात सेना के जवानों और अधिकारियों से बातचीत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स बुक में सेना के नाम एक संदेश भी लिखा और बाद में उस पर अपने दस्तखत किए। साथ ही वो बेस कैंप के उस हॉल में भी पहुंचे जहां उनके खाने के लिए तरह तरह की चीजें रखी थीं, जिनमें राष्ट्रपति को जवानों के हाथ का बना समोसा खूब पसंद आया। समोसा, बर्फी और मट्ठी, आप लोगों में से किसने क्या बनाया? राष्ट्रपति के दौरे से उत्साहित जवानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भारत माता की जय। इससे पहले नवंबर 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए दौरा किया था, जिस पर चीन ने कड़ा एतराज जताया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक रेप पीड़ित नकाबपोश लड़की अपनी आपबीती सुनाने लगी। लड़की का आरोप है कि रेप के मामले में बयान नहीं बदलने पर गांव की पंचायत ने उसका और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गांव का कोई भी दुकानदार ना तो इन्हें सम्मान देता है और ना ही गांव के लोग इनसे बात करते हैं। उन्होंने बोला कि तुम मुकदमा उठा लो और कोर्ट में बयान बदल दो, इसे समझौता कर लो। पीड़ित का आरोप है कि पंचायत का फरमान नहीं मानने पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश भी जारी किया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने एसपी से की। इससे बात करते तो 11,000 रुपए दंड करने थे। लड़की का आरोप है कि गांव के ही एक लड़के ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसका रेप किया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की और अब इस मामले में 17 मई को कोर्ट में सुनवाई होनी है। दुष्कर्म किया था 26/2/2017 को। वहीं राज्य के महिला आयोग ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी से बात की। गांव वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दिया गया है और जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। महिला आयोग ने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी ताकि उनके साथ किसी तरह की अनहोनी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कानूनी मान्यता देने पर फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 38 दिन की सुनवाई के बाद आधार को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। यूपी के मिर्जापुर के पेट्रोल पंप मालिकों की इंडियन ऑयल के टैंकरों से डीजल चोरी की शिकायत पर लालगंज थाने में केस दर्ज किया गया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बनाई गई कई दुकानों को तोड़ दिया। लालू प्रसाद यादव को अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में शामिल होने के लिए 5 दिन की जगह 3 दिन की पैरोल दी गई, साथ ही इस दौरान उन्हें मीडिया से बात करने से मना किया गया। कन्नड़ अभिनेत्री और कांग्रेस नेता भावना रमन्ना कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बेंगलुरु में बीजेपी में शामिल हो गईं। रामायण सर्किट की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के चेयरमैन राम अवतार शर्मा ने नेपाल के जनकपुर से यूपी के अयोध्या तक शुरू होने वाली बस सेवा का स्वागत किया।
यूपी के नोएडा में एक मेट्रो स्टेशन परिसर में बिजली चोरी के आरोप में डीएमआरसी के महाप्रबंधक और बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर एक चोर को पकड़ने पहुंचे पुलिस वाले पर आपसे ठीक पहले बेंगलुरु में बीजेपी में शामिल हो गई। रामायण सर्किट की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के चेयरमैन राम अवतार शर्मा ने नेपाल के जनकपुर से यूपी के अयोध्या तक शुरू होने वाली बस सेवा का स्वागत किया। यूपी के नोएडा में एक मेट्रो स्टेशन परिसर में बिजली चोरी के आरोप में डीएमआरसी के महाप्रबंधक और बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर एक चोर को पकड़ने पहुंचे पुलिस वाले पर लोगों ने नशे में होने का आरोप लगाया। यूपी के गाजियाबाद में शराब के नशे में एक बेकाबू कार सवार पर कई ठेले वालों को टक्कर मारकर घायल करने का आरोप लगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने टीम की तरफ से किए गए निराशाजनक प्रदर्शन के लिए ट्वीट कर फैन से माफी मांगी। खेल मंत्रालय ने टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से गगन नारंग समेत 12 खिलाड़ियों को बाहर कर गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 6 खिलाड़ियों को शामिल कर लिया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 3 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को हराकर देश लौटी भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात की।